बहन जी इनको ना लीवर पेन हो रहा है, ये ना मेरी देवरानी है, हम ना हॉस्पिटल जा रहे थे पर इसको ना रास्ते में दर्द हो गया, तो तुम 10 मिनट के लिए इनको आराम करने के लिए बैठा लो। 10 मिनट के लिए ठीक है, मैं इनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन अच्छा एक्चुअली मैं क्या सोच रही थी कि मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर देती हूँ, तो एम्बुलेंस आ जाएगी, आप इनको हॉस्पिटल ले जाना, नहीं तो एक काम करो, मेरे जानने वाले हैं, सिटी हॉस्पिटल है पास में, तो मैं वहाँ पे कॉल कर देती हूँ, तो तुम वहाँ पे इनको ले जाओ। नहीं नहीं एम्बुलेंस की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने ना अपने देवर को फोन कर दिया है, वो गाड़ी लेके आने वाला है, बस तुम ना 5 मिनट के लिए बैठा लो, उसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो आप आ जाइए, इनको दिक्कत ज्यादा ही हो रही है, आइए। वो बहन जी आप ना एक गिलास पानी ला दीजिए। पानी तो आप ले रहे हैं ना, आप इसे ही पिला दो ना। एक्चुअल में बहन जी क्या है ना, ये गंदा पानी है, ये पीने लायक नहीं है। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। वो सिल्की पक्का ही वही औरत है ना जो फोन पे बात कर रही थी। हेलो, हाँ चिराग, चिराग मैं क्या कह रही थी कि मैं बैंक से ना सारे पैसे और ज्वेलरी निकाल के लेकर आ गई हूँ, अब बता देना कि मुझे क्या करना है। ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं वेट करूँगी आपके कॉल का। ठीक है, इतना सारा पैसा, इतनी सारी ज्वेलरी, ओ मैडम जी हमसे बच के कहाँ जाओगी। हाँ जिठानी जी ये वही औरत है। चल ठीक है, अब ये तो बेहोश हो गई, अब देखते हैं घर में कहाँ का क्या रखा है। ठीक है आओ। ये रही अब्बा। चलो चलो। ओ भाभी कितना सारा माल है। सिल्की जल्दी कर। ठीक है जेठानी जी, अब तो 2 मिनट का काम रह गया, खोलो इसको। अरे वाह, रुको जल्दी, इतना माल तोला, सोना चांदी सब रखा है भाभी। और भी देखे तो। अरे भाभी यहाँ तो बहुत सारा सामान रखा है, पर्स बहुत कुछ होगा इसमें तो। एक काम कर, इसको ऐसे ले लेना बंद कर। आप लोगों का हो गया या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आप कौन हो? तुम होते कौन हो हमसे ये पूछने वाले? जाओ चलो अपना काम करो, कौन हो तुम? बहुत खूब, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूं? क्या बात है, अब घर के मालिक को भी चोरों को परिचय देना पड़ेगा। चोर? हम चोर नहीं है, वो तो मैडम की तबीयत खराब है थोड़ी, उन्होंने हाँ। काम के लिए बोला था, हमने अलमारी साफ करके ये पर्स पड़ा हुआ था, सोचा मैडम को दे दे। देखा सिल्की, आजकल तो पढ़ाई का जमाना ही नहीं है, अगर कोई मेहनत करके खाए ना तो ऐसे लोग खाने नहीं देते। एक तो इनकी हेल्प कर रहे हैं, झाड़ू पोछा किया, साफ सफाई की, ऊपर से ही हमें चोर बता रहे हैं। बताओ सही कह रही हो आप, और आप हो कौन जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो हमसे? ऐसा है आप अभी जाओ, मैडम की तबीयत ठीक हो जाएगी जब आना, उनसे ही पूछ लेना हम लोग कौन है। चलो अब चलते हैं। ठहरो, तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम हो कौन? मैं इस घर का मालिक हूँ, पति हूँ मैं उसका जिसे तुमने बेहोश किया है। जितनी तुम चालाक हो ना और जितनी तुम होशियार हो, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इस पूरे घर में ना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और ऑफिस में बैठा हुआ मैं अचानक फोन देखने लगाया, मैंने देखा मैडम क्या कर रही, जैसे ही मैंने सीसीटीवी ऑन किया, इसने, ये जो तुम्हारी जेठानी बन रही है जिसके आंख नाक मुंह सब चल रहे, इसने नीलम के मुंह पे रुमाल लगाया और तुमने दवाई छिड़की,
मैं तभी के तभी ऑफिस से गाड़ी उठाकर भागा। वो भाई साहब असल में क्या है ना, हम ये सब काम नहीं करते। वो तो आपकी मैडम को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था ना, तो हमें थोड़ा सा लालच आ गया था, इसलिए हम आ गए। हमें माफ कर दो प्लीज। देखो हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, आगे से हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, हमें जाने दो। हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? तुम जैसे लोगों ने ना समाज खराब किया। अगर तुम्हारी मजबूरी को देखकर और इसने प्रेगनेंसी का बहाना किया, नीलम ने तुमको सहारा दिया तुम्हारी मजबूरी देखकर, और तुम्हारी ऐसी हरकत से ना अगर कोई रियल में मजबूर भी होगा ना, रियल में दुखी भी होगा, तो कोई अपने घर का पानी तक नहीं पिलाएगा। तुम जैसे उन्हें समाज में से विश्वास ट्रस्ट सब खत्म कर दिया, सब रिश्ते नाते खत्म कर दिया। मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही कि तुम इतनी चालाक हो, प्रेगनेंसी का बहाना कर लिया। हे भगवान, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। और एक बात और सुनो, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना और तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो तुम्हारे हौसले और बुलंद हो जाएंगे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और अभी तुम्हें दोनों को अरेस्ट कराता हूँ, और तुम्हारे खिलाफ मैं तहरीर लिख के दूंगा, मैं गवाही दूंगा, तुम्हारी जमानत नहीं होने दूंगा। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं। हेलो, सुनो। अरे साहब सुनो। हेलो, सुनो तो सही। अरे सुनो, अरे सुनो, सुनो सुनो सुनो। अरे साहब हमसे ना गलती हो गई। शांत हो जाइए। हेलो, त्यागी जी बात कर रहा था। हाँ आप आ जाइए, अभी दो मिनट रुको। ये जो तुम बदतमीजी कर रहे ना मेरे साथ, अभी तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे साहब मत बुलाओ ना पुलिस को, प्लीज माफ कर दो हमें, जाने दो। ये रहा आपका सामान, ये लो साहब, आप अपना सामान ले लो, रखो सारे पैसे सब। साहब ये रहा देखो, देखो इसमें कुछ नहीं है, हमने आपका सारा सामान रख दिया, प्लीज जाने दो हमें। और साहब ये कहा है ना किसी ने कि अगर कोई गलती करके गलती मान ले ना, इससे बड़ा कोई नहीं होता, तो इस बार आप हमें माफ कर दीजिए, आगे से ना हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, देखो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को वो इंतजार करेंगे हमारा अगर हम घर नहीं पहुंचे, प्लीज माफ कर दो, जाने दो हम लोगों को। बस बस ये तमाशा बंद करो, मैं जानता हूँ तुम सब लोगों को और तुम्हारे गिरोह को, और रात दिन हम टीवी में देखते हैं सब कुछ, और अगर हम जब भी सावधान ना हुए तो फिर फायदा क्या हुआ। चलिए नीचे जीप खड़ी है, लगड़ा ए चले तू भी, शर्म का काम ही नहीं। चल